वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ लाइफ। तो आज हम सीखेंगे कोरिएंडर की चटनी कैसे बनाते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और आलू के परांठे हो या पकौड़े हो, इन सबके साथ ये बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो कोरिएंडर की चटनी बनाने के लिए हमें कोरिएंडर चाहिए, 2 चिलीज चाहिए, 7 to 8 गार्लिक की कलियां चाहिए, 1 नींबू का जूस चाहिए हमें, पुदीना, मेरे पे पुदीना ताज़ी पुदीना नहीं था तो मैंने उसका पाउडर ले लिया है, 1 बड़ा चम्मच पाउडर ले लिया है, और ब्लैक सॉल्ट। तो हम एक जार में कोरिएंडर डाल देंगे। गार्लिक डाल देंगे, चिली डाल देंगे, पुदीना का पाउडर डाल देंगे, नींबू का जूस डाल देंगे और ये ब्लैक सॉल्ट डाल देंगे। पहले हम बिना पानी के ही इसे पीसेंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे। और ये देखिए हमारी चटनी बनकर रेडी है। और इस चटनी को हम पकौड़े, पराठे, इन सबके साथ हम सर्व कर सकते हैं और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अगर आपको ये मेरी चटनी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।